बजाज ऑटो ने भारत में अपनी नई मोटरसाइकिल पल्सर NS125 लॉन्च कर दी है। कंपनी की नई बाइक अब पहले से ज्यादा पावरफुल हो गई है, लेकिन अब इसमें ABS जैसा सेफ्टी फीचर नहीं दिया गया है। ये कंपनी की एंट्री लेवल स्पोर्ट्स बाइक पल्सर 125 की तुलना में थोड़ी महंगी है। इंजन की बात करें तो पल्सर NS125 में 125cc सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड फ्यूल इंजेक्टेड DTS I इंजन मिलता है। ये इंजन रेगुलर पल्सर 125 बाइक में भी दिया गया है। ये नए इमिशन नॉर्म वाले BS6 इंजन जिसके साथ 5-speed गियरबॉक्स दिया गया है। कंपनी का दावा है कि इसमें थोड़ा बदलाव किया गया है और अब ये पहले की तुलना में थोड़े ज्यादा पावरफुल हो गया है। ये इंजन अब अधिकतम 12 PS की पावर और 11 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करती है। बजाज ऑटो के मुताबिक नई पल्सर NS125 मोटरसाइकिल में शानदार पावर और परफॉर्मेंस मिलता है। इसके साथ ही इस सेगमेंट में बाइक्स की तुलना में इसमें कई खास फीचर्स मिलते हैं। टू व्हीलर निर्माता ने इस बाइक को खास तौर से राइडिंग पसंद करने वाले युवाओं के लिए बनाया है। नई पल्सर NS125 का वजन 144 किलोग्राम है। डिजाइन की बात करें तो इसमें बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। ये बाइक अभी भी फ्रंट की तरफ से सिग्नेचर वुल्फ आई डिजाइन के साथ पेश की गई है। पल्सर NS125 के साइड में टैंक को बनाया गया है और इसमें स्पोर्टी बॉडी ग्राफिक्स इस्तेमाल किए गए हैं। बाइक में रियर में सिग्नेचर ट्विन LED स्ट्रिप टेल लाइट्स दी गई है। पल्सर 125 बाइक की तरह बजाज पल्सर NS125 में 17 इंच के अलॉय व्हील्स दिए गए हैं। बजाज ने अपनी नई पल्सर NS125 बाइक की एक शोरूम कीमत 93,690 रुपए रखी है। बजाज ऑटो नई पल्सर NS125 बाइक को 4 कलर ऑप्शन में उतारेगी, फियरी ऑरेंज, बर्नट रेड, बीच ब्लू और पीटर ग्रे। DAO EV Tech ने हाई स्पीड 703 के साथ 3 लो स्पीड ई स्कूटर पेश किए हैं। इनमें पहला विद्युत 106 और दूसरा विद्युत 108 है। इसके अलावा तीसरा जोर 405 है। विद्युत 106 और विद्युत 108 ये दोनों स्कूटर काफी हद तक समान दिखते हैं। इनमें एक समान 250 वॉट मोटर और 1.38 किलोवाट पावर बैटरी बैक दिया गया है। दोनों की ही अधिकतम रफ्तार और रेंज एक ही है, जो कि क्रमशः 25 किलोमीटर प्रति घंटे और 80 किलोमीटर तक चार्ज है। इन दोनों में ज्यादातर अंतर डिजाइन डिपार्टमेंट में ही देखने को मिलता है। विद्युत 106 में थोड़ा और अधिक पर्याप्त अपीयरेंस समझ में आता है, जिसमें एक पिलियन बैकरेस्ट दिया गया है, जबकि विद्युत 108 एक स्लीक और बेलनाकार डिजाइन के साथ आता है। विद्युत 108 में कंपनी ने LED इंडिकेटर्स और एक LED टेल लैंप का इस्तेमाल किया है, जबकि विद्युत 106 में ट्रेडिशनल फिलामेंट बल्ब यूनिट का इस्तेमाल किया गया है। हालांकि इन दोनों ही स्कूटर में हेडलाइट्स LED दी गई है। बजाज ऑटो ने अपनी सबसे पॉपुलर बाइक पल्सर का डैगर एज एडिशन लॉन्च कर दिया है। डैगर एज एडिशन की कीमत 1.02 लाख रुपए एक शोरूम दिल्ली है। इस एडिशन में 3 मॉडल पल्सर 220F, पल्सर 180, पल्सर 150 शामिल है, जिसमें एक्सटीरियर पेंट स्कीम्स और अपडेट ग्राफिक्स के अलावा कुछ बदला नहीं गया है। पल्सर 150 डैगर एज एडिशन को 2 मैट कलर स्कीम पर्ल व्हाइट और सफायर ब्लू कलर में पेश किया गया है। पल्सर 180 डैगर एडिशन इस बाइक को पर्ल व्हाइट, वॉल्केनिक रेड और स्पार्कल ब्लू मैट कलर में पेश किया गया है, जहां वॉल्केनिक रेड कलर के साथ व्हाइट ब्लैक ग्राफिक्स और हाइलाइट्स मिलते हैं। वही स्पार्कल ब्लैक ऑप्शन में सिर्फ रेड ग्राफिक्स और हाइलाइट्स मिलते हैं। इसमें 179cc का इंजन दिया गया है, जो 8,500 rpm पर 16.76 bhp की पावर और 6,500 rpm पर 14.52 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है। बजाज ऑटो ने इस बाइक को पर्ल व्हाइट और वॉल्केनिक रेड, स्पार्कल ब्लू और सफायर ब्लू कलर में लॉन्च किया है। वही कंपनी ने इसके इंजन और फीचर्स में कोई बदलाव नहीं किया है। इसके इंजन की बात करें तो इसमें आपको 220cc का इंजन मिलेगा, जो 20.1 bhp की पावर और 18.55 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है। ता, ता, ता।
हार्ले डेविडसन ने भारतीय बाजार में पैन अमेरिका 1250 और 1250 स्पेशल मोटरसाइकिल को लॉन्च किया है। हार्ले डेविडसन पैन अमेरिका 1250 की शुरुआती कीमत 16.90 लाख रुपए एक शोरूम भारत है। कंपनी ने पैन अमेरिका मोटरसाइकिल के दो वेरिएंट लॉन्च किए हैं, जिन्हें स्टैंडर्ड और स्पेशल कहा जाता है। पैन अमेरिका 1250 स्पेशल की कीमत 19.99 लाख रुपए एक शोरूम भारत है। एडवेंचर मोटरसाइकिल का स्टैंडर्ड वेरियंट ऑन रोड बायस्ड है, हालांकि स्पेशल वेरिएंट में ऑफ रोड बायस सेटअप है, जो इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल सस्पेंशन के साथ आता है और इसमें स्पोक व्हील्स भी मिलते हैं। पैन अमेरिका 1250 में DRL अच्छी तरह से कुशन वाली चौड़ी सीटें, वाइड और रेस्ट हैंडल बार, 21.2 लीटर का लॉन्ग रेंज फ्यूल टैंक, एक लंबी विंडस्क्रीन और एक अपस्वेट एग्जॉस्ट के साथ LED लाइटिंग के फीचर्स दिए गए हैं। पैन अमेरिका 1250 और 1250 स्पेशल 1250cc लिक्विड कूल V-ट्विन सिलेंडर इंजन द्वारा संचालित है। ये 9000 RPM पर 149 BHP की पावर और 6750 RPM पर 127 Nm का टॉर्क उत्पादित करती है। इंजन 6-स्पीड ट्रांसमिशन के साथ आती है, जिसमें असिस्ट और स्लीपर क्लच शामिल है। दोनों मोटरसाइकिल में 6.8 इंच का TFT डिस्प्ले है। मोटरसाइकिल का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर एक टच स्क्रीन यूनिट है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर गियर, ऑडोमीटर, फ्यूल लेवल, क्लॉक, ट्रिप, लो लैंप अलर्ट, साइड स्टैंड डाउन अलर्ट, TIP ओवर अलर्ट, क्रूज रेंज और टैकोमीटर इंडिकेशन को प्रदर्शित करता है। मोटरसाइकिल में ब्लूटूथ की भी क्षमता है, जो मोबाइल फोन एप्लीकेशन के माध्यम से फोन कॉलिंग, म्यूजिक, नेविगेशन तक पहुंचने में सक्षम बनाता है। मोटरसाइकिल में एक USB Type-C स्मार्टफोन चार्जर भी है। पैन अमेरिका मोटरसाइकिल 5 राइडिंग मोड्स के साथ आती है, रेन, रोड, स्पोर्ट्स, ऑफ रोड और एक कस्टमाइजिंग राइडिंग मोड। मोटरसाइकिल पर अन्य राइडर इलेक्ट्रॉनिक्स में लीन सेंसिटिव ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, लिंक ब्रेकिंग और टॉर्क स्लिप कंट्रोल शामिल है। यहाँ तक इसे स्टैंडर्ड के रूप में हील होल्ड कंट्रोल भी मिलता है। पैन अमेरिका स्पेशल में इंटीग्रेटेड टर्न सिग्नल, एक एडजस्टेबल विंडस्क्रीन, एक बीफ एल्यूमिनियम स्कीड प्लेट और इंजन क्रैश बार के साथ हैंड गार्ड है। साउथ कोरियन कंपनी किया मोटर्स ने 2019 में कॉम्पैक्ट SUV सेल्टॉस के साथ भारत में एंट्री ली थी। वही कंपनी ने 2021 सेल्टॉस को लॉन्च कर दिया है। इस SUV में कई सारे अपडेट देखने को मिलेंगे। नई सेल्टॉस में कई नए फीचर्स को शामिल किया गया है। कंपनी ने टॉप मॉडल्स में दिए जाने वाले कुछ फीचर्स लोअर वेरिएंट्स में भी शामिल किए हैं। कंपनी ने 2021 किया सेल्टॉस SUV की बुकिंग्स लेना शुरू कर दिया है। कीमत की बात करें तो किया सेल्टॉस की शुरुआती कीमत 9.95 लाख रुपए एक शोरूम रखी गई है। नई सेल्टॉस में 17 नए फीचर्स शामिल किए गए हैं। जी सेगमेंट में पहली बार स्मार्ट प्योर एयर प्यूरिफायर को शामिल किया गया है। ये एंटीवायरस और बैक्टीरिया प्रोटेक्शन के साथ आता है। किया का दावा है कि ये एयर प्यूरिफायर वायरस और बैक्टीरिया को पूरी तरह से खत्म कर देता है। इसमें ग्राहकों को रिमोट इंजन स्टार्ट भी दिया जाता है, जो मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आता है। इसमें वायरलेस फोन प्रोजेक्शन, ऑन कार टच स्क्रीन, ओवर द एयर मैप अपडेट्स, एडिशनल वॉइस कमांड और UVO कनेक्ट कार सिस्टम भी दिया जाता है, जिससे सनरूफ और ड्राइवर विंडो को कंट्रोल किया जा सकता है। किया ने नई सेल्टॉस को नए प्रीमियम वेरिएंट 1.4 TGDI पेट्रोल GTX-O में भी पेश किया है। IMT टेक्नोलॉजी सेल्टॉस 1.5 पेट्रोल HTK प्लस वेरिएंट में उपलब्ध होगी। नई सेल्टॉस में पैडल शिफ्टर्स भी पेश किए गए। किया मोटर्स ने सब कॉम्पैक्ट SUV सोनेट को सितंबर 2020 में भारतीय बाजार में उतारा था। अब किया इंडिया ने इसका फेसलिफ्ट मॉडल लॉन्च कर दिया है। नए मॉडल में कई सारे अपडेट देखने को मिलेंगे। टॉप मॉडल्स में दिए जाने वाले कुछ फीचर्स लोअर वेरिएंट्स में भी शामिल किए गए हैं। कीमत की बात करें तो 2021 किया सोनेट की शुरुआती कीमत 6.79 लाख रुपए एक शोरूम रखी गई है। कंपनी ने इस SUV की बुकिंग्स भी लेना शुरू कर दिया है। 2021 किया सोनेट
फेसलिफ्ट मॉडल में 10 नए फीचर्स शामिल किए गए हैं। इसमें पहली बार सेगमेंट फर्स्ट रियर डोर, सनशेड कर्टन और सनरूफ को वॉइस कमांड ऑपरेट सनरूफ, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट, ब्रेक असिस्ट, हिल असिस्ट कंट्रोल जैसे फीचर्स को सोनेट के लोअर वेरिएंट्स में भी शामिल किया गया है। किया सोनेट के सबसे लोकप्रिय HTX वेरिएंट को ऑटोमेटिक ऑप्शन HTX 7DCT 1.0T GDI पेट्रोल और HTX 680 1.5 डीजल के साथ पेश किया गया है। इस SUV में पैडल शिफ्टर्स दिए गए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर करें। ऑटो अड्डा चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपका कोई सवाल या सुझाव है तो कमेंट करके हमें बताएं।